बहुत बड़ा मॉल है भाई, और बहुत शर्म भी आ रही है, जो बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग, और हम दोनों जा रहे हैं घूमी घूमी, हेयर स्टाइल कर रही हूं ना, तो मेरे ये ऐसा हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं लखनऊ में हूँ, और आज सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घूमी घूमी करने। आप मुझे कमेंट में बताओ कि ये वाला गार्डन कहाँ पर है। सुबह के 10 बज रहे थे और हम लोगों को सुबह सुबह कुछ मिल ही नहीं रहा था, हमें दिखाई दिया ये कबाब पराठे का ठेला, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो गरम गरम यही खाते हैं, और साथ में हम लोगों ने वेज बिरयानी भी पैक करवाई थी, और ये कबाब पराठा बहुत टेस्टी था। हम लोग वेज बिरयानी लेकर घर आ गए थे, ट्रस्ट मी ये वेज बिरयानी ही थी, यहाँ पे देखो सोयाबीन कितनी छोटे छोटे से, ट्रस्ट मी ये बिरयानी भी बहुत ज्यादा टेस्टी थी, जब भूख लगी होती है तो सब अच्छा लगता है। तो मैंने जो रेड वाला टॉप पहना हुआ था वो साधना को अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने मुझे ये अपना दिया है टॉप पहनने के लिए, जो बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रहा है। अब मैं एक छोटा सा ट्रांजिशन करके फिर से आप लोगों को मेकअप दिखाती हूँ, ठीक है? चलो, तो यहाँ पर हो चुके हैं हम रेडी। अब आप बताओ कि मेरा मेकअप कैसा हुआ है। मैंने आईलाइनर भी लगाया है और मस्कारा भी लगाया है, हाईलाइटर भी लगाया, बहुत कुछ लगाया, कंसील भी किया अपनी आंखों के काले घेरों को, ठीक है? और बाकी मैंने ये पहना हुआ है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया है। और पता है मैंने पोनी बनाई हुई थी, तो मैं जब ऐसे बीच में से ऐसे करके हेयर स्टाइल कर रही हूँ ना, तो मेरे ये ऐसा हो रहा है, बट कोई बात नहीं, इसको ऐसे ऐसे करते 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 बैठा देंगे हम लोग, ठीक है? तो हम लोग रेडी हो चुके हैं। सिद्धू दिखा तो दो अपना OOTD। ये सिद्धू है, इसने ये पहना हुआ है, और हम दोनों जा रहे हैं घूमी घूमी। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा हम लोग ने कितना इन्जॉय किया, ठीक है? तो पहले चलते हैं, आप खड़े हो, रिक्शा नहीं मिल रहा हम लोगों को। और फाइनली हम लोगों को यहाँ पर रिक्शा मिल गया था, और ये वाला एरिया देखकर तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि हम लोग कहाँ पर आए हुए हैं। जी जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, हम लोग आए हैं लुलु मॉल, और हम लोगों को कुछ भी नहीं खरीदना है, चलो चलते हैं अंदर। इसको देखो कैसे त्रा रही है, अरे बाप रे, और यहाँ से एंटर होते हैं हम लोग लुलु मॉल में, देख लो आप लोग सब लोग, यहाँ पे बहुत सारे मेकअप और परफ्यूम के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं लुलु मॉल में, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं क्या क्या बताऊँ, इतनी सारी चीज़ें, इतना बड़ा मॉल है। आप लोगों को कुछ लेना नहीं था, दूसरा मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या क्या दिखाऊँ, और कलेक्शन इनके पास बहुत ज़्यादा थे, फिर भी मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें कैप्चर कर लिए जो आप देख के इन्जॉय कर लो। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल थक चुके थे चलते चलते, और ये मॉल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर चल रहे थे और आगे देखते जा रहे थे। यहाँ पर बहुत ही क्यूट क्यूट टॉयज़ एंड टैडीज थे, जो इनके पास बहुत ही बढ़िया कलेक्शन था इस चीज़ का, लेकिन हम लोगों को लेना तो था नहीं, क्योंकि अब हम लोग बच्चे ही नहीं रहे। इतना बड़ा मॉल है कि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों को क्या दिखाऊं क्या ना दिखाऊं। तो वैसे तो मुझे कुछ लेना था नहीं यहाँ पे, और मैं कुछ लेने आई थी नहीं यहाँ पे, तो बस मैं ऐसे गोल गोल घूम रही हूँ, जो जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग देखो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप देखते जाओ, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि क्या दिखाऊँ क्या ना दिखाऊँ। बहुत बड़ा मॉल है भाई, और बहुत शर्म भी आ रही है, और दिखाती हूँ। एक चीज़ मुझे लुलु मॉल की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे और बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए थे, और मैं खड़ी होकर बस खुद को देख रही थी और वीडियो ले रही थी, और यहाँ पर पूरे टाइम मैं यही कर ही रही थी और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बड़ा मॉल है, इसलिए हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए, और कुछ हम लोग लेने नहीं आए क्योंकि सब कुछ इतना एक्सपेंसिव है कि हम लोग का घर बर्बाद हो जाएगा। पर हम लोग यहाँ पर लफंडरगिरी कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, ऐसे घूम घूम के बस लेना ही है हम लोगों को, लेकिन वी आर जस्ट नॉट गोइंग टू बाई एनीथिंग एल्स। तो देखते हैं, और जो कुछ दिखाने लायक रहता है वो आपको दिखाते हैं, स्टे ट्यून्ड। एक तो इतना बड़ा मॉल, ऊपर से सब कुछ इतना महंगा है कि अगर हम लोग ने यहाँ पे कुछ भी लेना शुरू किया ना, तो हम लोग लुट जाएंगे, लुट गया हो जाएगा हम लोगों को। तो बस हम लोग ऐसे टहल रहे हैं, और जो जो अच्छा लगेगा वो आपको दिखाएंगे। ओके, आप लोग भी देखो। एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया, मैं जिस लाइट में वीडियो बनाती हूँ वो उतनी क्लियर नहीं रहती है, लेकिन अभी जो लाइट मेरे फेस पर पड़ रही है वो असल कैमरा क्वालिटी दिखा रहा है, क्योंकि ऐसे तो वीडियोस जब हम लोग बनाते हैं तो काली वीडियो आती है, बट लुक एट द ब्यूटी गाइस, कितने हसीन लग रहे हैं हम लोग, यस गाइस, लग रहे कि नहीं लग रहे बता देना। और हाँ, बहुत थोपे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग ने बहुत मुँह में चपोड़ा हुआ भी है, तो ये नहीं कह सकते कि हम लोग बहुत नेचुरल लग रहे हैं, पर लाइट पड़ने की वजह से हमारा मेकअप और इन्हेंस हो गया है, हमारी ब्यूटी इन्हेंस हो गई है। तो अभी यहाँ से हम लोग कहाँ जाते हैं पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा मॉल है ये, देखो कहाँ कहाँ घुमाऊँ मैं आपको, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब लाइट पड़ने की वजह से वीडियो इतनी अच्छी बन रही है कि मुझे लग रहा है कि बस बनाते जाओ यार, मतलब मन कर रहा है कि कैमरा ही ना बंद करो, स्टोरेज फुल हो जाएगा यार। लेकिन अब देखते हैं, कुछ अच्छा सा दिखता है तो दिखाते हैं। ऐसे ही नहीं, ये लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल कहला रहा है, थक जाएंगे पैर हम लोगों को, 4-5 दिन लगेगा पूरा घूमने में, तब भी नहीं घूम पाएंगे। ओह सॉरी। तो भाई जो लोग अभी तक लुलु मॉल नहीं विज़िट किए हैं, को दूल्हा मिल गया है और मेरा दूल्हा मिल गया है, साथ में दिखा दो तुम, ठीक है? अब आप लोग बताओ कि जोड़ी कैसे ये है, नाज का दूल्हा
गाइस इससे लंबा है, 6 फुट लंबा। लुलू मॉल आप यहाँ से देख सकते हो, 2 ही फ्लोर हैं गाइस। ये सेकंड फ्लोर पे जो है, यहाँ पे जो फूड कोर्ट है बहुत ही बड़ा है। जहाँ से डोमिनोज स्टार्ट है वहाँ से, यानी कि ये डोमिनोज है, ये यहाँ तक हमारा फूड कोर्ट यहाँ पर ख़त्म होने के बाद यहाँ से शुरू होता है फंटूरा। इसमें बहुत क्लियर नहीं आ रहा है, ये फंटूरा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें यहाँ तक है। अभी मैंने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाई तो अब बहुत सारे लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, चलो अच्छी बात है। लुलू मॉल काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, खुद की ट्रेन चला रहा है। और यहाँ पे हम लोग ग्राउंड फ्लोर में आ चुके हैं। ये कुछ ऐसा दिख रहा है जैसा आपको मैं दिखा रही हूँ, ये मुझे कैप्चर कर रही है और मैं इसे। ये सारे मॉल्स हम लोगों को ये बताते हैं कि आप किस हद तक के गरीब हैं और आप किस हद तक की चीज़ें नहीं ले सकते। भाई साहब एक सामान मैंने उठा के नहीं देखा, इतना महंगा है। और भाई साहब बैक कैमरा करो, वेस्ट साइड आ चुका है, प्रयागराज में ऑलरेडी ओपन हो चुका है वेस्ट साइड, तो आप लोग विजिट करना ना भूलें, करना ना भूलें। तो बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हैं। अभी मैंने और नाज ने वेस्ट साइड में विजिट किया, एंटर किया है, बहुत ही अच्छे न्यू कलेक्शन आए हैं ट्रेंडिंग। आप जा सकते हो इलाहाबाद के स्टोर पर वेस्ट साइड में और परचेज कर सकते हो गाइस, इतना तो तुम लोग विजिट कर ही सकते हो। और बस हम लोगों के पास किराया था आने का और जाने का, और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बंदी झूठ बोल रही है, अब कर सकते हैं बट वी डोंट वांट। चलो अभी आपको कुछ और भी दिखाते हैं जब जो जैसा देखते हैं, ठीक है? चलो जाओ, क्लोज हो गया। तो अब हम लोग आ चुके हैं बाहर और अब हम लोग यहाँ से निकलने जा रहे हैं। आप लोग देख लो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा था इसलिए हम लोगों ने कुछ भी नहीं छुआ, बहुत ही अच्छे बच्चे हम लोग। जैसे कि हम लोग आए थे वैसे ही अब हम लोग वापस जा रहे हैं। अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देखा हो तो उसके लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। क्योंकि अभी हम लोग जहाँ पर दूसरी जगह विजिट करने जा रहे हैं तो उसका न्यू व्लॉग रहेगा, तो वो आप देखना, ठीक है? पीछे लुलू मॉल को हम लोग छोड़ कर जा रहे हैं। कौन से मॉल? लासियो मॉल जा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को वहाँ दिखाते हैं। इस पर बाय हमारा लुलू मॉल, और जस्ट इसी के सामने यहाँ पे पुलकी लगी हुई है, तो हम लोग ये खाने जा रहे हैं।